मेरा नाम तनवीर अहमद भट्ट है, मैं दूर दराज इलाका सब डिवीजन ठाठरी के तहसील चौकसू का रहने वाला हूँ। तो हम यही कहेंगे कि इसमें गरीब आवाम का बहुत फ़ायदा है। जैसे मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे अपना इलाज कराने के लिए अमृतसर जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था, कहीं मुझे हज़ारों के हिसाब से पैसा खर्च आता। मैं सबसे पहले यही अहमद फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये पैसे बच रहे हैं, वहाँ से बगैर उधर जाने के हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके बगैर यहाँ पे जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक ये कि जिनका इलाज यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा, उन लोगों को यहाँ से ये जम्मू रेफ़र करके अपने उस पर मुकम्मल इलाज करवा के उनको वहाँ से ठीक करा के। कितना फ़ायदा है सर इसमें? इतना मैं अपनी बात कहूँगा, इसमें हज़ारों के हिसाब से मैं अपनी बात कहूँगा कि 20 से 30 हज़ार रुपये मुझे लगता था अमृतसर जाने में इलाज करवाने के। अब यहाँ पे इतना जो मतलब वो पैसा बच रहा है, कम से कम 300-400 लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। अब आप इसमें खुद ही मल्टीप्लाई करके 30 हज़ार से लेके आप देखो कितना हिसाब, लाखों के हिसाब से गरीब लोगों का पैसा बच रहा है। जी, मेरा नाम मसूद अहमद शेख है, मैं घट में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ। हमने अहमद फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसका मकसद जो गरीब लोग हैं, जिनको आँखों की कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी, उनको हम फ्री इलाज कराना चाहते हैं। इसके पीछे हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो पिछले 50 साल से ब्लाइंड हैं। हम जानते हैं कि ये ब्लाइंडनेस क्या होती है। इसके साथ हमारे इसलिए हमने एक फ़ैसला किया है, मैंने एक फ़ैसला किया है मेरे भाइयों ने, मेरे बच्चों ने, कि मेरी जितनी भी कमाई होगी मैं आधी कमाई इस फाउंडेशन को डोनेट करूँगा, जिससे हम जो भी यहाँ हमारे गरीब गुरबा लोग हैं उनका हम आँखों का इलाज जहाँ तक हो सके वहाँ तक कर सकें। हाँ, आज हम मेडिसिन फ्री दे रहे हैं। अभी तक तकरीबन 250 से ऊपर हो गए हैं पेशेंट जिनका चेकअप हो गया, अभी भी कोई 100-150 पेशेंट बाहर हैं। किस तरह के इंतज़ाम वगैरह करवाए हैं? हमने जम्मू से डॉक्टर मंगाए थे, डॉक्टर अशोक शर्मा है, रिनाउंड जम्मू में स्पेशलिस्ट हैं, GMC में हैं, उनके साथ 10 डॉक्टर्स और भी आए हैं जो आप देख सकते हैं ऊपर। इंशाल्लाह हमारा मेरा मकसद है, ये एक्चुअली मेरा एम ऑफ लाइफ है कि मैं इस फील्ड में काम करूं, जिसमें लोगों को सिर्फ आँखों का मैं बता सकता हूं कि इसका हमारे इमोशनल अटैचमेंट, मैं जैसे आपको पहले ही बताया, हम आँखों का मैं चाहता हूं कि लोगों को फ्री इलाज मिल जाए। अब जहां डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं कि कुछ को हमें जम्मू लेना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, तो उनको यहां से हम ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे, वहां उनकी सर्जरी करा के उनको फिर वापस अपने घरों पर ड्रॉप करेंगे। जिसको ऑपरेशन कराना होगा, जिसको दवाई से ठीक हो जाएगा उसको दवाई दे देंगे, जिसको ऐनक लगानी होगी उसको ऐनक बना के देंगे। गर्ज यह है कि जिसको जिस किस्म के इलाज की ज़रूरत होगी वो हम मुहैया करेंगे अहमद फाउंडेशन की तरफ से, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। आज हमारे तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गुंदोबले से आए हैं, मरमत से आए हैं, भरत से आए हैं, काशीगढ़ से आए हैं, देसा से आए हैं, मतलब तमाम इलाके से आए हैं। ये हमारा कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, मैंने कहा ना ये हमारा मेरा एक एम ऑफ लाइफ है, ये कंटिन्यू रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम जम्मू से डॉक्टर लाएं, हमारे पास यहाँ भी काबिल डॉक्टर हैं, डोडा में भी हैं, GMC डोडा में भी हैं, हम उनसे भी चेकअप करा सकते हैं। किसी को हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हूँ। आज अहमद ट्रस्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में एक कैंप लगाया गया है, जिसमें मैं अपनी टीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के साथ आया हूँ, जिसमें 10 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। आज हमने सुबह से 250 से देखे हैं, जिनमें से 60 से ऊपर पेशेंट हैं जिनको सफ़ेद मोतिया है, उसको स्क्रीन किया गया है। ये अहमद ट्रस्ट ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको यहाँ के जम्मू लाएंगे और जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद वो इनको वापस डोडा लेके आएंगे। यहाँ पर मैंने देखा कि एलर्जी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, जो जम्मू प्रोविंस की बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि शायद ये डस्ट पोल्यूशन या और कोई यहाँ पर ऐसी प्लांटेशन है जिसकी वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा है। मेरी सलाह रहेगी कि आप जब भी एलर्जी होती है जो आपके लोकल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाएं और उनकी सुपरविजन में ही इलाज कराएं अपना, जो वो दवाई कहते हैं जैसे कहते हैं वैसे ही करें। और एक और मैं कहना चाहूँगा आखिर में कि अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप कराना है अपने क्वालिफाइड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जब इनका चेकअप होगा तो चेकअप के बाद उनको दवाइयाँ देके, जिनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है
उनको तो वापस भेज दिया जाएगा। जिनको कोई जिनको ऑपरेशन वगैरह बोला है, मोदिया का है, स्क्विंट का है, कोई और ट्रिजियम का है, तो ये अहमद ट्रस्ट वाले इनको उन्होंने ऑन किया है, वो इनको जम्मू तक लेके आएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे।